कैसे निकालना है। तो वैसी सिचुएशन में आप रादर देन फाइटिंग पहले देखना चाहेंगे सर्कल का है और फिर फाइट्स लेना चाहेंगे। और आज टीम गॉडल के खेमे में क्रॉन्टन खेल रहे, किल के जगह फिलहाल गॉडल के एग्जिस्टेंस यहाँ पे फनाटिक के ओवेस की तरफ शायद कुछ शॉट्स ले सकते हैं, देखते हैं आगे जाके क्या होगा। मीनवाइल पे आ रहा उसके जीब्रा ने टीम हाइप के प्रोटोटाइप को नॉक कर दिया, आइकॉनिक ने इंस्टेंटली उनका किल जो है वो भी कंफर्म कर दिया। टीम फनाटिक के प्लेयर्स एक अच्छा खासा कंपाउंड की तरफ आ चुके हैं, बट क्या उनको ये पता है कि वो ऑलरेडी बीइंग वॉच्ड बाय टीम गॉडल, और टीम गॉडल चारों तरफ बिखेरते हुए अपना पोजीशन ले रही है और किसी भी मोमेंट पुशिंग कर जाएगी। और प्रेडिक्शन समाउट सही होता हुआ हमारा, यसनाय और शेल्टर के बीच में फिर से सर्कल बनता हुआ, और गॉडल क्रॉन्टन का बहुत ही प्यारा स्प्रे यहाँ पे ओवेस और रौनक दो प्लेयर्स को गिरा दिया, तीन प्लेयर्स को यहाँ पे क्रॉन्टन ने एक प्यारे एकेएम के स्प्रे के द्वारा नॉक कर दिया। फनाटिक के स्काउट ओपी अकेले बचे, तो यहाँ पे जो घात लगाए हुए बैठे थे टीम गॉडल के प्लेयर्स, और फाइनली एक अच्छा यू नो नॉक मिलता हुआ, और इसी के साथ स्मोक यहाँ पे नेट करना चाहेंगे, और स्काउट यहाँ पे अपनी टीम को जितना देर हो सकता है डिले कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्रॉन्टन यहाँ पे नॉक होते हुए स्काउट के द्वारा बहुत ही फास्ट रिएक्शन स्काउट के द्वारा देखने को मिल रहा है। मीनवाइल फनाटिक के स्काउट काफी लो एचपी पे, खुद को यहाँ पे उनको हील अप करना पड़ेगा जब फाइट लेना चाहेंगे, और स्मोकी को भी नॉक कर दिया फनाटिक के स्काउट ने, तीसरे प्लेयर को भी नॉक कर दिया, और स्काउट विद दैट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लच 1v3, एक प्लेयर को ऑलरेडी फिनिश किया गया था, और फनाटिक स्काउट गेटिंग इनटू द गेम, गेटिंग इनटू द जोन, वो भी आज क्लचेस करने के लिए स्टार्ट कर चुके, और बेहतरीन सेव यहाँ पे फनाटिक के स्काउट के द्वारा, वाइपिंग आउट द एंटायर टीम गॉडल। एक बहुत ही अमेजिंग प्लेयर आता है, इसलिए स्काउट को वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ये चीज बार बार दिखाई है। फनाटिक ही वो टीम थी, ओवेस जैसे ही गेम स्टार्ट होता हमने देखा था ओवेस ने हस्तर को बाहर निकाला था, उसके बाद तीन प्लेयर्स बचे थे, आई थिंक गॉड लाइक यहाँ पे रिवेंज के लिए जाने की कोशिश करी थी, बट एक इसी चीज के बारे में हमने बात करी थी, आपको चार्जिंग करते हुए केयरफुल रहना पड़ेगा, एवरी सिंगल वन ऑफ दीज प्लेयर्स इंटरनेशनल स्टेज पे खेलने का कैलिबर है इनके पास, और ये चीज देखने को बहुत कम मिलती है। चार्ज इन किया, स्काउट की एचपी भी बहुत ज्यादा कम थी, वो लास्ट जब इन्होंने दो एंगेजमेंट ली वो सिटिंग है 25% एचपी, और उसी के अंदर इन्होंने दो प्लेयर्स को खत्म करके गॉड लाइक को इस गेम से बाहर का रास्ता दिखाया।